वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, आरडी शर्मा की सीरीज में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए। ये दे रखा है, ये प्रूव करना है। क्या दे रखा है? कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रूव क्या करना है? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4 इज इक्वल टू 1। क्या समझ में आ रहा है? ये सब कॉस में है, ये सब साइन में है, ये भी 1 है, इसको भी 1 करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ से पहले एक रिलेशन चाहिएगा। कैसे निकालेंगे देखिए। हमने क्या करा, ये जो कॉस स्क्वायर है इसको यहीं रखा और इसको यहाँ ले गए, माइनस हो गया यहाँ के। ओके, अब कॉस को हमने किस में कन्वर्ट करना है? साइन में, क्योंकि हमने साइन की वैल्यू कॉस में चाहिए, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए। ओके बच्चों, अब इस 1 को उठा के यहाँ ले जाते हैं। माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए माइनस 1। प्लस वाला माइनस हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस का कॉस ए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई? साइन स्क्वायर ए कॉस ए के इक्वल है। क्या वैल्यू आ गई? साइन स्क्वायर ए कॉस ए के इक्वल है। पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं हम? कॉस ए। प्लस साइन 4 के बदले क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर ए। और कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 इक्वल टू आर एच एस, हेंस रूट। इजी है ना? देखने में थोड़े से मुश्किल लगते हैं लेकिन एक्चुअली में मुश्किल नहीं होते, प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। यही बच्चों मैं आपको हर क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ। ओके, अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको कुछ नई चीज़ें समझ में आ रही है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही पूरी आरडी शर्मा पूरा मैथ्स मैं आपको अच्छे से करा दूंगा ताकि बोर्ड्स तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ टेक केयर।